चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम अध्ययन चर्चा में ले रहे हैं विष्णु खरे जी का आलेख चार्ली चैपलिन और हम सब। और आज हम सबसे पहले उनकी उनके इस आलेख का सारांश जानेंगे और उसके बाद इसी पाठ पर आधारित एक गद्यांश की आधारित प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस आलेख का सारांश। चार्ली चैपलिन संसार का एक बहुत ही विख्यात और विशिष्ट अभिनय शैली वाला अभिनेता माना गया है। चार्ली चैपलिन ने मूक फिल्मों के माध्यम से अपने भावनाओं को अभिव्यक्त किया है, कहानियों को दर्शकों तक पहुंचाया है। विष्णु खरे ने उनके इस पूरी फिल्म कला को और चार्ली चैपलिन के जीवन को अपने इस आलेख में विश्लेषित किया है। वे उन्हें संसार का एक महान अभिनेता निरूपित करते हैं और बताते हैं कि उनकी फिल्म कला में हास्य और करुणा का बड़ा संतुलित समन्वय है, सामंजस्य है। हास्य से करुणा पैदा होती है, करुणा से हास्य पैदा होता है। और ये जो कला का स्वरूप है ये दुनिया में अनूठा और अकेला है। दूसरों पर हंसने की कला सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। उपहास उड़ाने की जो दूसरी प्रवृत्ति है मनुष्य के मन में, उसका भी बहुत दूर दूर तक फैलाव फैला हुआ है। लेकिन अपने आप पर हंसना, अपनी कमजोरियों को हंसी का मुद्दा बनाना, ये एक अलग अनुभव रहा है। तो विष्णु खरे कहते हैं कि चार्ली के अभिनय में इसी तरह का समन्वय है। और उनका जीवन बहुत कष्टों और तकलीफों अभावों के बीच से गुजरा, इसलिए भी वो जो दुख है, वो जो तकलीफ है, करुणा है, वो एक सहज भाव के तौर पर उनकी कला का हिस्सा बन गई है। चार्ली के जीवन के इस समय 130 साल हो चुके हैं और उन्होंने जो फिल्में बनाई उसको भी 100 साल का अरसा पूरा हो चुका है। उनकी सबसे पहली फिल्म थी मेकिंग ए लिविंग, वो आज से 100 साल पहले बनी थी। उनकी फिल्मों की जड़ में अगर हम देखना चाहें तो विष्णु खरे कहते हैं कि वहाँ मूल में बुद्धि नहीं है, भावना है। अर्थात उनकी फिल्मों में विवेक को प्रधानता नहीं दी गई है, भावनात्मकता को प्रधानता उपलब्ध हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि चार्ली चैपलिन ने फिल्म कला में लोकतंत्र की स्थापना की। लोकतंत्र की स्थापना से क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य यह है कि फिल्में पहले विशेष प्रकार के वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि सब लोग फिल्म को देख नहीं सकते, सब लोग फिल्मों को समझ नहीं सकते। ये बौद्धिक वर्ग के लिए फिल्म है, ये मध्यम वर्ग के लिए है, यह किसानों के लिए है, इस तरह से तरह तरह से उसके विभाजन थे। परंतु चार्ली चैपलिन की जो फिल्में हैं उनमें किसी तरह का वर्ग विभेद नहीं है, कोई वर्गीकरण नहीं है, वो सबके लिए हैं। उसे आइंस्टीन भी देख सकते हैं और एक बुद्धिहीन साधारण व्यक्ति भी देख सकता है। मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति भी उसमें आनंद पा सकता है और एक विवेकवान व्यक्ति भी उसके अंदर से अर्थों की खोज कर सकता है। तो चार्ली चैपलिन ने इस तरह वर्ग विहीन दर्शक वर्ग के लिए फिल्म बनाई और उनकी ये फिल्म कला अमर हो गई। उसने देशों की सरहदों को पार किया, सारी दुनिया के दर्शकों तक वह पहुंची और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में उसकी लोकप्रियता
व्याप्त है। एक आम आदमी जिस तरह से अपने जीवन में असफलताओं का सामना करता है, विपदाओं का सामना करता है, परेशानियों का सामना करता है, और हर बार वह कोशिश करता है कि उसके जीवन में, उसकी थैली में, उसकी झोली में कुछ सुख आएंगे, पर ठीक जब सुखों का आगमन होने ही वाला होता है, उसके हाथ से वो छिन जाते हैं। कभी उन्हें परिस्थितियां छीनती हैं, कभी समय छीनता है, कभी धन छीनता है, और कभी क्रूर समाज छीनता है, और तब वह हक्का बक्का और एक पराजित व्यक्ति, एक हारा हुआ आदमी सामने रह जाता है। चार्ली चैपलिन ने इसी हारे हुए आदमी की व्यथा को पर्दे पर साकार किया है। ऐसे महान कलाकार चार्ली चैपलिन पर ये आलेख, विश्लेषणपूर्ण आलेख विष्णु खरे जी ने लिखा है। तो ये था चार्ली चैपलिन और हम सब नामक आलेख का मूल सार तत्व, सारांश। और अब हम इसी पर आधारित एक गद्यांश के प्रश्नोत्तरों को यहाँ पर पूरा करेंगे। गद्यांश आपके सामने स्क्रीन पर आएगा और मैं उनके प्रश्नों के उत्तर यहां से दूंगा। प्रश्न पहला आपके सामने स्क्रीन पर और उसका उत्तर है, अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टिली होते हैं। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने और इसका उत्तर है, जो लोग अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में चार्ली के टिली होते हैं, उनके रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। और तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, उत्तर है, मूलतः हम सब चार्ली ही हैं क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। और प्रश्न चौथा आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उत्तर है, जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली इसलिए हो जाता है क्योंकि सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्षों में हम पराजित हो जाते हैं। तो यह था विष्णु खरे के आलेख चार्ली चैपलिन और हम सब पर आधारित गद्यांश के प्रश्नोत्तरों वाला हिस्सा। कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक मौजूद है, आप उसके जरिए वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।